दोस्तों, समुद्री पेन संघ निडेरिया का जंतु है। समुद्री पंखा भी संघ निडेरिया का जंतु है। समुद्री एनिमोन एनिमोन भी संघ निडेरिया का जंतु है। समुद्री खीरा संघ इकाइनोडर्म का जंतु है। समुद्री कमुदनी संघ इकाइनोडर्म का जंतु है। समुद्री सेही भी संघ इकाइनोडर्म का जंतु है। समुद्री चूहा संघ एनिलिडा का जंतु है। समुद्री गाय संघ स्तनधारी का जंतु है, मैमल का जंतु है। समुद्री खरहा संघ मोलास्का का जंतु है। समुद्री घोड़ा संघ पीसेज का जंतु है। फ्रेंड्स, मैं संतोष विज्ञान आप लोग अपने यूट्यूब चैनल संतोष विज्ञान पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग समुद्री जंतु और उनके संघ के बारे में देखेंगे। कौन सा समुद्री जंतु सी एनिमल्स किस संघ या फाइलम से आते हैं? तो चलिए, पहला है समुद्री पेन, सी पेन। सी पेन निडेरिया संघ का जंतु है। समुद्री पेन निडेरिया संघ का जंतु है। समुद्री पंखा सी फैन भी निडेरिया संघ का जंतु है। तीसरा है समुद्री एनिमोन, सी एनिमोन्स भी निडेरिया संघ का जंतु है। इस तरह समुद्री पेन, समुद्री पंखा और समुद्री एनिमोन तीनों निडेरिया संघ के जंतु हैं। आप याद कर लीजिए, समुद्री पेन, समुद्री पंखा, समुद्री एनिमोन तीनों ही निडेरिया संघ के जंतु हैं, क्योंकि अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। अगला है समुद्री खीरा, समुद्री खीरा सी ककम्बर इकाइनोडर्म संघ के जंतु है। समुद्री कमुदनी सी लिली भी इकाइनोडर्म संघ का जंतु है। समुद्री सेही सी अर्चिन भी इकाइनोडर्म संघ का जंतु है। इस तरह समुद्री खीरा, समुद्री कुमुदनी, समुद्री सेही तीनों इकाइनोडर्म संघ का जंतु है। अगला है समुद्री चूहा, समुद्री चूहा एनिलिडा संघ का जंतु है। सी माउस, समुद्री जो चूहा होता है सी माउस एनिलिडा संघ का जंतु होता है। समुद्री गाय सी काऊ, समुद्री गाय सी काऊ जो होता है संधारी मैमेलियन वर्ग का जंतु होता है। अगला है समुद्री खरहा सी हेयर, सी हेयर भी मोलस्का, सी हेयर मोलस्का संघ का जंतु होता है। और लास्ट है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, जो घोड़े के जैसा दिखाई देता है सी हॉर्स एक पीसेज यानी मछली वर्ग का जंतु है, मछली संघ का जंतु है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स मछली संघ का जंतु है। तो दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।